इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। सह प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, अपने सपनों को करे साकार, एंड स्टार हेल्थ केयर। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव उर्फ मुन्ना खोरी। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं रात 24। पिछले दिनों सोतानाला क्षेत्र में एक युवती का शव मिला। शव देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बाहर का है। फौरन कोटपुतली पुलिस और भैरवड़ पुलिस मौके पर गई और चारों तरफ मुआयना किया। युवती के शव का गला बुरी तरह से जख्मी था। पुलिस ने फौरन उस युवती का जो फोटो था वो वायरल किया और कोटपुतली पुलिस ने बड़ी तेजी से कार्रवाई करते हुए मुजरिमों तक पहुंची और हत्या करने वाले पति और ससुर को गिरफ्तार किया रेवाड़ी क्षेत्र से। कोटपुतली DSP दिनेश यादव ने एक विवाहिता के ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश कम समय में ही करते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की और मृतका के पति व ससुर को गिरफ्तार किया। दोनों पिता पुत्र ने गोवर्धन पूजा की रात 23 वर्षीय युवती की गला घोटकर हत्या कर दी और लाश को चादर में लपेटकर पनियाला इलाके में सोता नाला के पास फेंककर चले गए। पुलिस को गुमराह करने के लिए पिता पुत्र ने रेवाड़ी के मॉडल टाउन थाने में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। सोता नाला में युवती के शव की शिनाख्त के लिए कोटपुतली से DSP दिनेश यादव की टीम और बहरोड़ से SHO विनोद सांखला की टीम पहुंची। मामला कोटपुतली क्षेत्र का होने के कारण पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और मृतक युवती के शव का फोटो वायरल किया। पनियाला के आसपास CCTV फुटेज खंगाले। वहीं पुलिस को पता चला कि रेवाड़ी में एक महिला की गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ है। इस पर तत्काल DSP दिनेश यादव, SI इंद्राज सिंह पुलिस टीम के साथ रेवाड़ी पहुंचे और मृतका पूजा के चाचा सतवीर यादव से शव की पहचान करवाई। पीहर पक्ष ने बताया कि पूजा के पति आशीष और ससुर लक्ष्मण परिवार के अन्य सदस्य दहेज की मांग करते थे और पूजा के चरित्र पर भी शक किया जाता था। इस पर सोमानी कॉलेज के सामने पति व ससुर से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बहरोड़ के गांव गादौज में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें विजेता और उपविजेता टीम को नगद राशि देकर पुरस्कृत भी किया गया। बहरोड़ के गांव गादौज में स्वर्गीय वीरेंद्र यादव की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ग्रीन अरावली स्टेडियम गादौज में आयोजित इस टूर्नामेंट में विजेता व उपविजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर करण सिंह, अशोक, अमित भारद्वाज, संदीप यादव, अविनाश सहित अनेक युवा मौजूद रहे। नांगल खोड़िया में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में संजय यादव मुन्ना खोरी ने विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कृत किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। नांगल खोड़िया में जय बाबा गोगा क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें खोहर बसई व नांगल खोड़िया के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें खोहर बसई विजेता रही। विजेता व उपविजेता टीम को 21,000 रुपए से पुरस्कृत भी किया गया। यह सम्मान संजय यादव मुन्ना खोरी ने देते हुए कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। नांगलखोड़िया में ही ऊंची कूद और दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें भी ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। बहरोड़ के गांव नांगलखोड़िया में 1600 और 100 मीटर दौड़ व ऊंची कूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता दिल्ली पुलिस के जवान राहुल यादव द्वारा करवाई गई। विजेता खिलाड़ियों को नगद राशि देकर प्रोत्साहन भी किया गया। इस अवसर पर उमराव सिंह, सरपंच वेद कृष्ण, विकास यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे रात 24। नमस्कार। अब आपकी सेवा में अत्याधुनिक मशीनों से युक्त खुल गया डॉक्टर मनीष डेंटल हॉस्पिटल, कृष्णा माल नजदीक पंजाब नेशनल बैंक, डॉक्टर चारू गुप्ता क्लिनिक के पास, पुराना बस स्टैंड, बहरोड़।
बहरोड का एकमात्र शोरूम जहां मिलते हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, वो भी सबसे उचित दामों पर, एक बार जरूर पधारें। प्रभात एजेंसी, प्रभात स्टील इंडस्ट्रीज, अपोजिट बैंक ऑफ इंडिया, पुराना बस स्टैंड रोड, बहरोड़।